आज हम लोग यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन में हैं और हमारी तैयारियाँ चल रही हैं कि यहाँ से ट्रेन जाने का हमें डायरेक्शंस हैं। सिर्फ एक ही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेशेंस बना के रखें और जो भी जाना चाह रहा है उसकी बाकायदगी से लिस्टिंग हो रही है और उसकी जो जो भी लिस्टिंग होगी ऐसा नहीं है कि जो जाना चाहता है और वो छूट जाए। तो मेरी सभी सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि पेशेंस, थोड़ा थोड़ा सा संतोष अपने मन में रखें। कोशिश पूरी है हमारी कि हम यहाँ से सबको थोड़ा धीरे धीरे करके जैसे जैसे सरकार का हमें डायरेक्शंस आएंगी हम सबको भेजने की कोशिश करेंगे जो जाना चाहता है। मगर साथ ही साथ मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भी हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्लान बना रहे हैं यहाँ रुकने का तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और कोशिश करें कि आप यहाँ पर अपना जो कार्यक्रम है जैसा चला रहे थे आज तक बहुत सालों से रह रहे थे वैसा रहें। मैडम, यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट लगाई गई चाहे वो पुलिस की हो चाहे फॉरेस्ट की हो, उनके खाने पीने को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह के इंतजाम किए? A to Z ये जिम्मेदारी हमारी है। उनका खाना जैसे वो यहाँ रहेंगे, लंच अगर उनका ड्यू है वो भी हमारी जिम्मेदारी है, पानी, उनकी तबीयत, हमने हेल्थ डेस्क लगाया है। जो भी यहाँ ड्यूटी पे है, इसमें सिर्फ मुलाजिम नहीं, इसमें कोई अगर और भी वर्कर यहाँ पर लगा है उसका भी खाना और उसका भी जो सारी रख रखाव है वो हमारी जिम्मेदारी है।